नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लाए हैं एक और नया वीडियो जिसमें हम बताएंगे आपको रूसी से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं घरेलू उपाय से। दोस्तों आज का हमारा सब्जेक्ट है रूसी से कैसे मुक्ति पाए, तो इसी बारे में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे रूसी से निपटने के लिए एक रामबाण नुस्खा, साथ ही और भी जो घरेलू तरीके जनरली लोग यूज करते हैं, पुराने समय से करते आ रहे हैं, वो सभी हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो मित्र आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दोस्तों आप यहाँ पर एक लाल बटन देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है सदस्यता ले, इसको दबाकर हमारी सदस्यता जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारे वीडियो रोज देख पाएं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे रूसी से कैसे छुटकारा पाएं। दोस्तों ये स्थिति है रूसी की कि कहते हैं कि हर दूसरे व्यक्ति को रूसी की समस्या है। तो दोस्तों इसको छुटकारा पाने के लिए मैं आपको सारे आसान इलाज बता रहा हूँ जो कि हमारे घरों में जनरली उपलब्ध रहते हैं, और इससे जो हम उपाय बताएंगे इससे डेफिनेटली गारंटी देता हूँ 2 मिनट मात्र यूज करके आप 10 साल पुरानी भी यदि आपकी रूसी है तो 2 मिनट के बाद डेफिनेटली वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका बताता हूँ आपको, नींबू। नींबू को आप सिंपली पानी में 2-3 चम्मच पानी के अंदर मिलाकर सर में हल्के से स्केल्प कर ले, मसाज कर ले, 5-10 मिनट बाद इसको धो ले, आपकी रूसी खत्म। दोस्तों सिंपल उपाय, साधारण उपाय। इसके बाद बेकिंग सोडा, घर में जो खाने में डाला जाता है ये भी बहुत अच्छी चीज़ है बालों के लिए, इसको आप अकेले भी यूज़ कर सकते हैं पानी के साथ, या फिर आप चाहे तो इसको दही में मिला सकते हैं या दही को भी अकेले यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें। ये सारे उपाय आप एक साथ भी कर सकते हैं, मिला के यदि करते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे, और ना करना चाहे तो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। सपोज आपके पास दही अवेलेबल है, बेकिंग सोडा नहीं है, तो आप दही का यूज करें, और यदि दोनों अवेलेबल है तो दही में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिला लें, उसके बाद अपने बालों पर लगा लें, कुछ देर लगा रहने दें, 5 से 10 मिनट जितना आप लगा सकते हो, उसके बाद उसको धो लें। दोस्तों 2-3 बार मैक्सिमम ये प्रयोग करना होगा, आपकी पुरानी से पुरानी जो रूसी की समस्या है, डैंड्रफ की समस्या है, वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों एप्पल विनेगर, विनेगर भी घरों में जनरली यूज होता है, ये भी बहुत कमाल की चीज़ है, ये रूसी के लिए बहुत बढ़िया रामबाण चीज़ है। हालांकि ये बहुत सारे कामों में आता है लेकिन रूसी में भी इसमें कमाल का फायदा है। तो इसको आप सिंपली पानी के साथ में मिक्स करके बालों में लगा सकते हैं, या अगर अकेले नहीं लगाना चाहते हो तो इसमें मुल्तानी मिट्टी के अंदर इसमें 2 चम्मच मिलाकर और उसका पेक टाइप का बनाकर बालों में लगा ले, 10-15 मिनट बाद धो ले, ऐसा भी कर सकते हैं, या दोनों को इंडिविजुअल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी को भी और एप्पल विनेगर को भी, दोनों को आप अकेले अकेले भी लगा सकते हैं सिंपली पानी के साथ मिक्स करके, दोनों ही इंडिविजुअल में भी कमाल के इनका जो असर है बहुत शानदार है। और इसके बाद दोस्तों हमारा जो सबसे सॉलिड फार्मूला है वो है फिट करी। दोस्तों जनरली आप दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं या पानी साफ करने के लिए फिट करी का हम लोग घरों में यूज करते ही करते हैं। दोस्तों फिट करी को पीस कर, या आपके पास पाउडर हो ऑलरेडी, पाउडर कोई हल्के से पानी में मिक्स करके और बालों में लगा ले, बस इतना ही करना है, बालों में लगा ले और 2 मिनट, मात्र 2 मिनट बाद आप जिस भी शैम्पू साबुन का रेगुलर यूज करते हो उससे धो ले, आपकी चाहे वो 10 साल पुरानी भी रूसी हो डेफिनेटली 2 मिनट के अंदर अंदर जड़ से साफ हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, इसमें मैं दावा कर सकता हूँ। क्या डैंड्रफ के लिए फिटकरी से तेज कोई भी दवा है ही नहीं है, चाहे आप वो मेडिकल साइंस की बात करें या आयुर्वेदिक की बात करें, फिटकरी का कोई तोड़ नहीं है। यदि रूसी के लिए रूसी की बात करते हैं तो फिटकरी रामबाण है, सर्दिया है, जहर से भी ज़्यादा तेज है। तो दोस्तों इसका उपयोग करें यदि आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी और खतरनाक रूसी है तो। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहेंगे, क्या अभी कल से व्रत शुरू हो रहे हैं, फास्ट शुरू हो रहे हैं, तो दोस्तों फास्ट में अधिकतर महिलाएं आलू, शकरकंदी, सिंगाड़े का आटा, ये सारी चीज़ें खाती, दोस्तों ये सब नुकसानदायक है। नुकसानदायक क्यों है, आप फास्ट में सपोज मान के चलिए एक टाइम आप खाना खाते हैं और सुबह कुछ हल्के फुलके पर लेते हैं, तो हल्के फुलके में आप यूज़ करते हैं आलू, आलू का आप मान के चले हलवा, या आपने शकरकंदी उबाल के और उसमें जो भी है शक्कर वक्कर डाल के खा लिया,
तो ये चीजें गलत है। उपवास का मतलब होता है उस दिन आपको अन्न का ग्रहण नहीं करना है, अन्न नहीं लेना है। आप लिक्विड ले सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं, आप पानी पर रहें, नींबू पानी पर रहें, लेकिन ये ना करें। उपवास में सिगाड़े जैसी हेवी चीज, सिगाड़ा आपको शायद पता नहीं हो, इतना हेवी होता है कि पुरुषों की कमजोरी में सिगाड़ा दिया जाता है और उनकी कमजोरी जड़ से खत्म हो जाती। तो उसको यदि आप व्रत में खाएंगे तो ये आपको फायदा नहीं, नुकसान करेगा। तो जितनी भी महिलाएं हमारे चैनल पर आती है, सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि व्रत का मतलब होता है उस दिन शरीर को, बॉडी को रिलैक्स देना, आराम देना। तो आराम देने के लिए सबसे अच्छा है कि आप लिक्विड पर रहें, ऐसा खाना उपयोग करें जो हल्का हो, जिसमें लीवर, किडनी, पेट को आराम मिले थोड़ा सा, उनको ना ज़्यादा पचाना पड़े और ना ज़्यादा मेहनत करना पड़े। तो आप ऐसा खाना चुनें, इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दें। आलू जैसा और शकरकंद, सिगाड़ा, इन चीज़ें ये खाने लायक नहीं है, कम से कम व्रत में तो बिल्कुल नहीं है। व्रत में आपको सूप चाहिए हो, जूस चाहिए हो, नींबू पानी लीजिए, या हल्के में कुछ सलाद खाइए, फ्रूट्स खाइए, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल बंद रखें और इनको ना खाएं। अन्यथा ये उपवास फायदे की जगह आपको नुकसान, आप जो महिलाओं में फैट बढ़ जाता है उसका एक बहुत बड़ा कारण है इस तरीके का खाना व्रत में खाना। क्योंकि आप दिन भर तो भूखे रहे, रात को आपने हैवी खाना खा लिया, तो बॉडी ने दिन भर काम नहीं किया, आपने उसको एकदम से ढेर सारा काम पकड़ा दिया। तो ये एक रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूर ध्यान रखें ताकि आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। और अधिकतर हमारे यहाँ ऐसा होता है, लोग उनको बताते रहिए एक्चुअल रीज़न क्या है उपवास का, और महिलाओं के साथ ये दिक्कत हो जाती है। सॉरी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो रूसी के लिए। तो आप ज़रूर इस फार्मूले को यूज़ करें, बहुत बेहतरीन फार्मूला है, 100% आपकी रूसी डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, यदि नहीं लगाओ तो डिसलाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।